हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम अब मार्च में होना है, ये तो 100% कंफर्म हो गया जब से इनका वीडियो आया है मार्केट में। ठीक है, इनका वीडियो मार्केट में इन द सेंस इंटरनेट पे। तो इनका अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बोला कि टीआरई 4.0 होगा अगस्त में, टीआरई 3.0 मार्च में होगा, और 4.0 में उन्होंने बोला कि 1 लाख से ज़्यादा सीट होगी। ठीक है, तो यानी जो लोग बहुत लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे इवन कि हमें मौका नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो उनका प्रोटेस्ट भी थम जाएगा, क्योंकि ये जो बोलते हैं के पाटिल सर का जो एक जो भी बोले हैं वो 100% कंफर्म हुआ है। मतलब ये इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है कि इनका एक एक बोली बोलने से पहले 100 बार सोचते होंगे और वो एकदम एक्यूरेट होता होगा तभी बोलते होंगे। तो टीआरई 4.0 के लिए भी जो उस समय शायद एलिजिबल होने वाले थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 3.0 में तो अब मार्च में ही होना है। तो मुझे लगता है देखो, जो एस्टेट 2024 वाले को मौका मिलेगा अब टीआरई 3.0 में ही मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको मौका मिल जाना चाहिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, अब जैसे 11th 12th की मैं बात करूँ, 11th 12th या GS आप किसी के भी मान लो, 11th 12th 6th 8th 9th 10th। ठीक है, GS के लिए आपको क्या करना है, GS के लिए 5 सब्जेक्ट मेनली पढ़ना होता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट GS मैथ, उसमें 5 सब्जेक्ट में एक आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में बस लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी न एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना, न मेडाइवल हिस्ट्री, न वर्ल्ड हिस्ट्री, न इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ नहीं। अब उसके अलावा ज्योग्राफी, उसके अलावा साइंस, उसके अलावा मैथ्स, और उसके बाद करेंट अफेयर्स। तो आपको देखो, करेंट अफेयर्स पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, साइंस करें। तो देखो, यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, GS में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में मेजॉरिटी करा चुका हूँ, 3 से 4 वीडियो बचा होगा। थ्योरी पूरा एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करना, आपका मन होगा ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले लेना, जो सिविल सर्विस वाला नहीं होता, BPSC वाला, वो ले लेना, और उससे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अटैम्प्ट कर लेना। सेम ज्योग्राफी का भी ऐसे करना, इंडियन ज्योग्राफी वाला और बिहार ज्योग्राफी वाला उससे अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, इंडियन और बिहार ज्योग्राफी वाला, और इंडियन ज्योग्राफी से हम क्या क्या करना, इंडियन नेशनल मूवमेंट से टॉपिक एक एक मैंने बता दिया है, एक एक टॉपिक मैंने बता दिया कौन कौन करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमें करना है 1857 वाली क्रांति, फोकस करना है, स्पेशल फोकस करना है कुंवर सिंह जी पे। ठीक है, उनका हर एक लोकेशन वगैरह सब पता होना चाहिए। उसके बाद एक करना है 1885 से, देखो तीनों दल 1885 से 1905, नरम दल 1905 से 1915 के बीच, गरम दल, देखो जब मैं गरम दल नरम दल बोलता हूँ बीच का सारा इंसिडेंट आपको पढ़ना है, कांग्रेस का फॉर्मेशन, बंगाल पार्टीशन, सब कुछ करना है यहाँ पे, अब इस बीच सबको खर्च करना है। अब जब मैं गांधी नेहरू बोलता हूँ, इसका मतलब सिर्फ गांधी जी नहीं, गांधी नेहरू का मतलब 1915 से लेकर 1947 तक एक एक इंसिडेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इरविन पैक्ट, सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, सब के सब करना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा एक टॉपिक बस आपको करना है, ट्राइबल वगैरह मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, और एक और है कौन सा टॉपिक है जिसमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब बात करें हम ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में हमको क्या करना है, एक तो बेसिक इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडिया, इंट्रोडक्शन टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट हमको पढ़ना है जो इंडियन फिजियोग्राफी है, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी में क्या क्या करना है हमको, एक तो हिमालय, हिमालयन माउंटेन और आसपास का, और उसके आसपास माउंटेन, हिमालयन, फिर साउथ इंडिया का माउंटेन, सब कुछ सारा माउंटेन। उसके बाद हमें करना है प्लेन, ठीक है, उसके अलावा हमें करना है कोस्ट, कोस्टल प्लेन, और उसके बाद करना है हमें आइलैंड। ये पार्ट हो गया, 2 चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर हमको रिवर एंड रिवर सिस्टम, फोर्थ चैप्टर हमको पढ़ना है सॉइल, फिफ्थ चैप्टर हमको पढ़ना है वेजिटेशन, ठीक है, और सिक्स्थ चैप्टर पढ़ना है फॉरेस्ट वाला चैप्टर, वो सीजन।
सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर, ठीक है, ये हमें करना है। साइंस में हमें ज़्यादा नहीं करना है, पहले मैं बोलूँ कि आप शुरू में क्या कर लो, लाइट कर लो, साउंड कर लो, डिजीज कर लो, न्यूट्रिशन कर लो, ये चार चैप्टर आप पहले कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा, कुछ कुछ चैप्टर मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, बट ये चार आप कर लो। हाँ, और थोड़ा सा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और इसमें जो प्लांट किंगडम है वो करना है, प्लांट किंगडम इतना कर लो। उसके बाद फिर मैं हम लोग देखेंगे कि क्या और करना होगा, क्योंकि इतना हो जाएगा तो फिर और एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो भी मैगजीन में करा रहा हूँ, अभी आई दृष्टि में करा रहा हूँ, ये आप बस वीडियो देख लो, ठीक है। नहीं तो मन होगा एक मैगजीन आएगा अभी आने वाले एडुटेरिया का, वो भी हम करा देंगे, उससे कर लेंगे, ठीक है। एडुटेरिया या आई दृष्टि, दोनों में से कोई एक, 8 क्वेश्चन आता है ना, 5 क्वेश्चन किसी एक बुक से आ ही जाएगा। उसके अलावे मैथ्स का हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप बताइएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो ना, मैंने टॉपिक भी बता दिया, आप लोग बहुत दिन से क्वेश्चन टॉपिक पूछ रहे थे, इसके अलावा कोई डाउट होगा ना तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।